पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे, गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। पायलट ने साथ ही कहा कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव अभियान में भाजपा की ओर से राजीव गांधी को लेकर टिप्पणी की गई, इस तरह की टिप्पणियां अशोभनीय हैं। इस मौके पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री बीडी कल्ला, भजनलाल जाटव, सुभाष गर्ग, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, महेश जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इक्कीस मई 1991 में आम चुनाव के प्रचार के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उनके स्वर्गवास होने के 28 साल बाद आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं और राजीव गांधी जी ने इस देश के प्रति जो निष्ठा दिखाई और प्रधानमंत्री रहते हुए एक नए युग की जो परिकल्पना करी और 21वीं शताब्दी के भारत का जो उन्होंने आधारशिला रखी थी और नौजवानों और अगली पीढ़ी के जो एक प्रतीक बने थे, उस भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को आज हम सब याद कर रहे हैं।